तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल। तो आज का बहुत ही बेहतरीन मैच होने वाला है, विराट कोहली बाबर आजम। और आप देख रहे हैं तो इनका जब भी मैच होता है तो टीवी एलईडी आप सब फूटती है। और आप जानते हैं अभी तक की, क्योंकि सीमा लाहौर से भाग के आ चुकी है इंडिया, तो अब की बार तो लड़ाई पक्की है। कौन जीतता है उसे भी आपको पता है, पाकिस्तान से मतलब लाहौर से सीमा भागी हुई है, तो उस पर मुकदमा दर्ज है, 76 लग चुका है। तो आइए देखते हैं मैच। रुक जा, अरे कितनी बहुत भाई, भाई कितनी बहुत है, प्लीज बहुत है ना, प्लीज प्लीज कितनी बहुत है ना। अभी पाकिस्तानी तुमसे तानसेन भी नहीं खाई जाती, इतनी गरीबी आप देख सकते हैं। आप इनकी एड की लड़ाई को देखिए, आप ये पाकिस्तानी की गरीबी देख के इधर हमको लाना था रहा है मत नहीं। रुको नहीं जा रहा तुमसे, तानसेन खा रहे तुम टीम में, तानसेन खा रहे तुम कहने आए उधर। तो आप देख सकते हैं, आप टॉस के लिए सिक्का लाए हैं। तुम आते क्यों इधर, क्यों आते तुम इस गरीबी को लेके इधर? साले गरीब लीचर लोग, इनके पास सिक्का नहीं है तो इनकी गरीबी देख के हमने टॉस का निर्णय बदल दिया है। हम टॉस अलग तरीके से होगी, सुनील होडिप्पा के पास फोन मिलाया जाए। सिक्के पिछली बार की इनकी गरीबी देख के पाकिस्तानी वालों के हमने टॉस का निर्णय चेंज कर दिया है, इनकी टॉस नए तरीके से होगी, नए वर्जन से होगी, अपडेट आ चुका है। हेलो, हाँ सुनील होडिप्पा जी, सर इनका टॉस का निर्णय बदल दिया है, सर इनकी टॉस अलग तरीके से करवाई जाएगी, तो आप आ सकते हैं क्या? दुबई हो तुम? अच्छा, आ रहे हो, आ जाओ, ठीक है जी, ठीक है आ जाओ। अरे फोन आ रहा है, हेलो, हाँ मैं कुलम जी, अरे राम जी। अच्छा टॉस करना है, अरे बस आ गया, मैं अपनी गाड़ियों को अंदर कर दूँ। चलो गाड़ी गैराज में खड़ी करनी, चलो चलो आया। ओ माय गॉड, तुम्हारी फॉर्च्यूनर आ चुकी है यार। अरे यार गैराज में खड़ी करवाई थी मैंने यार। भाई साहब इनको आप खड़ी कर दो, ड्राइवर कह दो, ड्राइवर साथ। गाइस आप जैसे देख सकते हैं सुनील होडिप्पा जी आ चुके हैं हमारे इधर पिच पर, और पिच की बात आपको मैंने बताई दी थी, तो इनकी अब हम टॉस करवाएंगे नई तरीके से। क्या कर रहे थे पीछे, क्या कर रहे थे तुम? तो नथू इनकी टॉस होगी अलग तरीके से, हमने वो निर्णय ले लिया है, सुनील होडिप्पा जी ने और मैं कुलम ने मिलके ये निर्णय लिया है कि इनकी टॉस करवाई जाएगी अलग तरीके से। तो आइए देखते, तो आप समझ रहे हो आप नहीं समझ रहे, तो पहले आप पा दो। वाओ, मस्त साउंड था इसके पाद में, बहुत ही ज्यादा आवाज थी और बदबू भी ज्यादा थी। और ये हार चुके हैं, इसका निर्णय हमने ले लिया है, पाकिस्तानी टीम हार चुकी है टॉस और इंडिया जीत चुकी है। इंडिया आप क्या लेना चाहते हैं? बैटिंग करने का निर्णय लिया है इन्होंने। आइए आप देख सकते हैं, लेडी जरिंग इधर आ गए। अनुष्का मेरी जान, वही मारूंगा। तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं, पाकिस्तानी सीमा लाहौर वाली को भगाने वाला ये लड़का जिसका नाम है सचिन, ये लप्पू सा सचिन, ना इसमें शरीर है ना कुछ है, देखिए पांसू दिख रही है, सिंगल पसली, ये कीड़ू सा सचिन, ये लप्पू सा, ये मेंढक सा, आप देख सकते हैं इसकी हालत को, कौन आ सकती है इसके, ये लप्पू सा सचिन जहां पर धर दूं अभी फैल जा सरेटा ये, ठीक है लाहौर टीम, लाहौर से भगा के लाहौर से। तो देख सकते हैं अब ये सचिन है, तो इसको ऊपर आप FIR दर्ज करवाएं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं पूरा शराब आए साला, बॉलर भड़वाए साला, ये साले पाकिस्तानी किधर से, कौन लाते ही नहीं, आते कहाँ से ही, इधर को बॉल करने की गई, गुद्दी पर धरने की गई, आपकी बात ढंग से बॉल करवा लिए।
और ये शानदार सिक्स मारा विराट कोहली, इज द सिक्स छक्का, विराट कोहली द छक्का, ये बहुत ही लंबा सिक्स था। और ये शानदार कैसे, ये शानदार कैसे ही जाएंगे। आउट है, आउट है, आउट है, एम्पायर आउट है, एम्पायर कहाँ है बहन का लोड़ा, एम्पायर। अरे बड़े एम्पायर तो तू ही है बेटा, वो गरीबी ज्यादा हो गई ना तो तुम्हारी भाभी चीनी मंगा रही थी 100 रुपए की, तो मैंने बिक गया। एक तो एक ले लेता, पहले रेट बता देता। बेटा चीनी का दाम नहीं पता था। हम तो सब रात को चीटिंग है, एम्पायर क्या है, ये पापा क्या है, चीटिंग कर रहे हो, चीटिंग नहीं खेल रहा मैं, जानो आउट है। Oh my God, Chris Gayle, Chris Gayle, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है, अगर ये यहाँ पे आ गए तो पाकिस्तान को धोड़ा देंगे, बहुत भयंकर तरीके से, बहुत धोते हैं ये। पहले इंडिया में बता नहीं चलता हूँ। पाकिस्तान के बॉलर आए वसीम अकरम, ये वसीम जरा तीन। अरे यार क्या खा के आया, जो आउट ही नहीं हो रहा, पता ही नहीं आ रहा आज क्या खा के आया है। इसके लिए तो कुछ जुगाड़ ही लगाना पड़ेगा, क्या करे। पर वसीम, हाँ भाई, विराट कोहली से अनुष्का कैसे सेट हुई? क्योंकि वो 2 कदम आगे बढ़ के खेलता था, पर ये 5 कदम बढ़ के खेलेगा तो इससे सेट हो जाएगी। अरे बिल्कुल हो जाएगी भाई। इससे सेट होगी अनुष्का, वो तो पहले ही आउट की है। अरे आउट है, हटा इसको, कलगंडे को साले को हटा, इसको साइड में हटा दे, साला भड़वा दिखना चाहिए, हटा दे इसे, फेंक दे बाहर। आधा घंटा हो गया इसे खेलते खेलते, किसी दूसरे की बज्जी ना आने दी इसे, बेंचोत लास्ट ओवर बचा, हटा इसे। तो आप इस मैच को जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे इंशाल्लाह। तो आप इंशाल्लाह आप इस मैच को जीतने वाले हैं, काबिल आप मान रहे हैं, आप 41 रन बना पाएंगे? अरे बिल्कुल बनाएंगे, 41 क्या चीज है हमारे आगे। तो पाकिस्तानी वर्सेस इंडिया, इंडिया का मतलब रन रेट अभी तक उन्होंने कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी 10 रन नहीं बना पाते आगे जाके, और अब ये 41 रन बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे आइए देखते हैं। लेकिन उनको और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि सीमा हैदर लाहौर से भाग गई है सचिन नप्पू के। सीमा हैदर ने जो हमारी बेइज्जती की है, वो हम उस बेइज्जती को वापस लेकर आएंगे, इस मैच को जीत के वापस लेकर आएंगे। तो ये फुल गुस्से में है, आइए इनका मैच पे पता चलता है, मैच के बाद 41 रन बना पाते हैं नहीं 41। नहीं वो खामा देख सकते हैं पाकिस्तानी पिच में उतर चुके हैं, पाकिस्तानी इस बढ़िया मतलब हौसले से आए हैं, तो इसको इनको बनाने हैं कुल 41 रन, 41 पे इनकी टारगेट है जीत है। तो आइए अब बॉलिंग, बॉलिंग बुमराह ये देख सकते हैं अभी, और ये एक हाथ का शॉट, और ये छक्का है, इसको छक्का कहा जाएगा। ओ बाबा राजम कितने बेहतरीन खिलाड़ी हैं, देख सकते हैं आप, मदर चौदह पूरे पट्टे में इनके, और ये देख सकते हैं, और ये फिर से देख सकते हैं, और ये क्या वाइट बॉल है, वाइट बॉल है, वाइट बॉल है, मदर चौथ वाइट बॉल है, और ये बहुत ही शानदार,
और ये बहुत ही बेहतरीन, और ये क्या देखिए, ऑफ में शॉट मारा है बाबर आजम ने, ऑफ में शॉट मार दिया। आप देख सकते हैं बाबर आजम खुशी से छलक रहे हैं। बाबर आजम को कुल चाहिए, कुल 19 रन चाहिए, और माधव चौधरी की खुशी नहीं छलक रही, देख सकते आप बहन करोड़ों को। और ये देख सकते हैं आजम जैसा कि आप देख सकते हैं बाबर आजम आउट होते हुए बाबर आजम को दिया झलका, तो सीमा के ऊपर उसने थोड़ा सा छलावा में आ चुका है बाबर आजम। बाबर आजम ने अपने गिल्लों में बोल्ड होते हुए शानदारी से आउट हुए हैं बाबर आजम। घूम रहा भाई बॉल तो खिला। अबे खिलाड़ी कहाँ है, पूरा स्टेडियम खाली यहाँ पे। पाकिस्तान कब का हार गया है, सीमा हैदर सचिन भाग गई है। पाकिस्तान नहीं हार सकता।